अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ऑनलाइन उस्ताद डॉट कॉम की जानिब से मैं हूँ वली खान। फोटोशॉप से S5 की ट्यूटोरियल्स के साथ दोस्तों, फोटोशॉप की पिछली ट्यूटोरियल में हमने सीखा था फिल्टर्स के हवाले से कि फिल्टर्स क्या चीज़ होते हैं। मैंने कहा था कि वो ख़ास इफेक्ट्स होते हैं, यानी कि ख़ास तासुरात डालते हैं एक पिक्चर के अंदर। और हमारे पास फोटोशॉप वही पर ओपन है, एक पिक्चर भी पुरानी क्लास वाली जो है हमने एड की थी वो ओपन है। तो इसमें अभी इस फिल्टर मेन्यू के अंदर एक फ़िल्टर है लेक्विफाई के नाम से, ठीक है। लेक्विफाई का जो फ़िल्टर है इसको हम डिस्कस करेंगे। ये बड़ा ज़बरदस्त है, इसके थ्रू जो है आप अपने पिक्चर की ख़ास हिस्सों को जो है बहुत असल अंदाज में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। असल अंदाज में उसमें तब्दीली ला सकते हैं, बिल्कुल ये आपके पिक्चर को ख़राब नहीं करेगा और बिल्कुल ईजीली जो है आप अपने पिक्चर के अंदर जो है किसी भी किस्म की तब्दीली ला सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर पिक्चर में किसी खास हिस्से को आपने बड़ा करना हो, छोटा करना हो, टेढ़ा करना हो, इसी तरह की चीज़ें, ठीक है। लेक्विफाई पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया आपके सामने पिक्चर। और यहाँ पर ब्रश साइज़ वगैरह है, अगर आप ब्रश साइज़ बढ़ाना चाहो तो ये ब्रश साइज़ बढ़ जाएगा, देखो कितना बड़ा। अगर आप छोटा करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, लेकिन आप अपने कीबोर्ड से भी इंटर से ऊपर जो दो ब्रैकेट से उसकी थ्रू भी इनको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ये इनकी ब्रश वगैरह की सेटिंग्स है, यहाँ से इनके ऑप्शन स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है इसके अंदर फॉरवर्ड रैप टूल, ठीक है, और उसके बाद दूसरा ऑप्शन है रिकंस्ट्रक्ट टूल। ये दोनों टूल जो है इसके अंदर बेसिकली ज़्यादा यूजबल नहीं है, लेकिन इसके बाद जो ऑप्शन है ट्विरल क्लॉक वाइज टूल, ठीक है, ये बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर इस ये जो ब्रश है, ये जो साइज़ है ब्रश का, ये पिक कर लेगा इस ऑप्शन को, ठीक है। इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे और किसी भी जगह पे जस्ट अपने माउस को रखें और वहाँ पर आप जो है क्लिक दबा के रखिए, ऐसे पे कि क्लिक करें तो उस जगह को ये टेढ़ा कर देगा, ठीक है। जैसे कि ये पिक्चर आप देख सकते हैं कितनी ओरिजिनल अंदाज में इसने टेढ़ी कर दी, ठीक है। किसी भी तरह का मतलब है कि आँख हो या नाक हो या कोई कान वगैरह हो, किसी भी जगह को आप वो कर सकते हैं, यानी कि टेढ़ा कर सकते हैं इसे ओरिजिनल अंदाज में, ठीक है। और इसे ऊपर जो टूल है ये आप देख सकते हैं, ये दोनों जो है तकरीबन ये टू ये ऊपर वाला टूल जो है ये कुछ जैसे कि शुरू में मैंने आपको कहा था ये इतना ख़ास नहीं है, लेकिन ये टूल जो है बड़ा ज़बरदस्त है, जिसके थ्रू आप 12 क्लॉक वाइज टूल की मदद से आप किसी भी उसको जो है मतलब है कि टेढ़ा कर सकते हो। देखो बिल्कुल ओरिजिनल अंदाज में काम करता है, इसमें आपको ये नहीं लगता कि ये जो है कोई वो है, यानी कि किसी ने चेंज किया हुआ, जैसे कि ओरिजिनली वही चीज़ हो। इसके बाद नेक्स्ट टूल है पुकर टूल है। पुकर टूल के अंदर जो है क्या होता है कि ये आपका किसी हिस्से को बिल्कुल असल अंदाज में छोटा कर देता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर नाक को आपने छोटा करना हो, जैसे आपने क्लिक किया तो ये नाक छोटी होगी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप भी आप कर सकते हैं आराम आराम से, देखो एक क्लिक, दूसरा क्लिक, तीसरा क्लिक, इस तरह आराम आराम से, ठीक है। तरह आंखों का साइज़ आपने छोटा करना हो, ठीक है, इसी अक्सर तस्वीर में ये वो हो जाता है ना, अक्सर तस्वीर में ज़रूरत पड़ जाती है किसी जगह को छोटा करना हो, कोई जो है इजाफी आ जाए, तो ये टूल आप बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बड़े काम का टूल है, ठीक है। इसके बाद इसके बाद जो ऑप्शन है ब्लॉट टूल, वो बड़ा करता है किसी खास हिस्से को, तो आप इसके थ्रू ये बड़ा कर सकते हैं। देखो जैसे कि ये इसको मैंने बड़ा कर दिया, और यहाँ से आँख को अगर बड़ा करेंगे तो ये आँख भी बड़ी होगी। किसी भी हिस्से को आप बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ, ठीक है। इससे आप ये मुख्तलिफ़ किस्म की पिक्चर बहुत आसानी, फ़नी पिक्चर जो है बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि फ़नी पिक्चर ज़्यादा लोगों की ना बनाएं, कभी कभी बनाया करें। अच्छा, ये है पुश लिप टूल, ये जो है इसको ख़राब कर देता है, जहाँ आप जिस आपने ड्रैग करना है पकड़ के तो ये पूरा जो है एक साथ सब कुछ अड़म दड़म कर देता है। उसके बाद मिरर टूल है, मिरर टूल क्या करता है कि ये आपका वो कर देता है, यानी कि मुखालिफ बिल्कुल शीशे की तरह मुखालिफ समझ में लेकर जाता है। और ये वाला टूल जो है आपका टर्बुलेंस टूल, ये जो है ये भी खराब, बाकी टूल जो है बहुत वो कर देते हैं ना, अननेचुरली तस्वीर को ख़राब कर देते हैं। और यहाँ नीचे दो टूल है, एक है वो हैंड टूल चलाता है, इसके थ्रू आप तस्वीर को यहाँ वहाँ लेकर जा सकते हैं, लेकिन जब जूम हो और जूम से आप इसको जूम कर सकते हैं। उसके बाद ये हैंड टूल जो है ये भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ वहाँ ले जाने के लिए, ठीक है। तो
लेकिन बेसिकली बात यह है कि आप ये जो तीन टूल है ना, ये बड़े इसके अंदर इम्पोर्टेंट टूल है, जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे आपने उसमें काम किया, ठीक है, मिसाल के तौर पर पिक्चर को आपने छोटा किया या बड़ा किया, तो आप जैसे कि इसको मैंने बड़ा कर दिया, ठीक है, यहाँ से ओके कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका फिल्टर लिक्विफाई। उसके अलावा ये बहुत सारे फिल्टर और भी हैं जिसमें ये हम यूज़ भी करेंगे बाद में हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर, में मोशन ब्लर है, लेंस ब्लर है वगैरह वगैरह, ये डिस्टॉर्ट है, नॉइज़ है। नॉइज़ क्या करता है, ये थोड़ा सा नॉइज़ पैदा कर देता है पूरी पिक्चर के अंदर। नॉइज़ से मुराद होती है कि ये जरजरी सी आ जाती है इसमें, ठीक है। सिर्फ एक नॉइज़ करेंगे ना, ये यहाँ पिक्चर में आप देख रहे हैं, इसका साइज़ आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, पिक्चर आपको नीचे नज़र आ रही है, ये देखें, इसको कहते हैं नॉइज़, ठीक है। ये ओके करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। मैंने कंट्रोल जेड करके इसको ऑपर वो कर दिया। लेंस प्लेयर, ये रेंडर के अंदर जो है अक्सर मुख्तलिफ किस्म के जो है वो स्टार्स होते हैं, उनको आप लाइटिंग इफेक्ट्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, उनको आप ऐड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। मैं लेंस प्लेयर पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक स्टार आ जाता है, मुख्तलिफ टाइप्स है इन स्टार्स के, ये आप देख सकते हैं किस्म किस्म की, ठीक है। मूव प्राइम, अब ये जो प्लस का छोटा सा निशान नज़र आ रहा है, इसको आप मूव करें यहाँ पर लेकर जाएं, जैसे ओके करेंगे तो ये आप देख सकते हैं ये स्टार आ गया इधर उधर से, तस्वीर के अंदर खूबसूरती पैदा कर दी इसने। मुख्तलिफ इसके अंदर जो है वो हम बाद में प्रोजेक्ट्स के अंदर वो करेंगे, यूज़ भी करेंगे, और आपने इसको वन बाई वन चेक करना है अपने पिक्चर्स पर। और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके अंदर आप मज़ीद जो है खूबसूरती पिक्चर्स को खूबसूरत बनाने के लिए, जैसे कि फ़ोटो स्टूडियोज़ में बनते हैं ना खूबसूरत पिक्चर्स, उस तरह की पिक्चर्स के लिए आप कौन से प्लगइन्स और फिल्टर जो है अपने फोटोशॉप में के इस सॉफ्टवेयर में ऐड करेंगे और फिर यहाँ पर उनको भी यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। उसके अलावा फ़ॉन्ट्स वगैरह का भी बताऊँगा आपको, और ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम ये व्यू और विंडो मेन्यू को डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है हम अपने प्रोजेक्ट्स की तरफ आएंगे। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।